फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाची क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रिटी और फैंसी एचिंग स्टाइल बताने जा रही हूँ, बॉर्डर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसे हम अपने किसी भी निचिंग प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को बनाने के लिए हम अपने जो भी स्टिचेस लेंगे नीडल पे, वो हम सिंगल स्ट्रैंड से लेंगे, डबल स्ट्रैंड से नहीं लेंगे। और स्टिचिंग हमने कितने स्टिच लेने हैं अपनी नीडल पे, वो लेंगे हम अपने बॉर्डर की लेंथ के हिसाब से। हमने जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से, अपने उसकी चौड़ाई के हिसाब से उतने ही स्टिचेस डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं सिंगल स्ट्रैंड से। फ्रेंड्स, कास्ट ऑन मेथड की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि स्टिचेस कैसे डालने हैं। तो शुरू करते हैं इस पैटर्न को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो द फर्स्ट रो ऑफ द पैटर्न राइट साइड, सबसे पहले हम एक स्टिच जो है वो सीधा बुन लेंगे, निट टू वन स्टिच। अब इसके बाद हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। एंड द पैटर्न इज, सब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से ऐसे नीडल निकाल के एक स्टिच बना लेंगे, मेक अ लूप। हम इसे लूप भी कह सकते हैं, स्टिच भी कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टिच है उसे थ्रो द बैक लूप ऐसे करके सीधा बुन लेंगे। यही पैटर्न हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट इज मेक अ लूप, एक यहाँ से लूप बना ली हमने, और नेक्स्ट स्टिच को हमने थ्रो द बैक लूप जो है वो सीधा बुन लेंगे। मेक अ लूप फ्रॉम बिलो, देन निट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप, अगेन मेक अ लूप फ्रॉम बिलो एंड नेट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप। ये जो हम स्टिचेस जब बुनेंगे तो ये हम टाइट नहीं रखेंगे, ये थोड़ा लूज लूज ही रखेंगे। ऐसे करके एक लूप बना ली, देन नेक्स्ट स्टिच को थ्रो द बैक लूप हमने सीधा बुन लिया, अगेन ऐसे नीचे से नीडल निकाली और ऐसे करके एक लूप बना ली, और नेक्स्ट स्टिच को थ्रो द बैक लूप हमने सीधा बुन लिया, निट वन स्टिच, अगेन ऐसे करके लूप बनाएंगे यहाँ से, और वन स्टिच को बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। मेक अ लूप फ्रॉम बिलो, देन निट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप, एंड वी विल रिपीट, मेक अ लूप फ्रॉम बिलो एंड निट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप, अगेन वी विल डू दिस। एक लूप बना ली और एक स्टिच को हमने सीधा बुन ली। ये ऐसे करके हमने पूरी रो में बना लिया। लास्ट में हमारे पास वन स्टिच बच जाएगा तो उसे हम सीधा ही बुन लेंगे, यहाँ पे लूप नहीं बनाएंगे, इसे ऐसा सच हम सीधा बुन लेंगे, निट द एड स्टिच। सेकेंड रो रॉन्ग साइड, स्लिप वन स्टिच, एक स्टिच को हमने स्लिप कर लिया, देन यान इन बैक। अब इस स्टिच को हम पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे, निट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप लाइक दिस, देन यान इन फ्रंट। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो गया। एंड द पैटर्न इज, अब ये जो हमने लूप बनाई थी अपनी फर्स्ट रो में, उसे हम ऐसे ही अब स्लिप कर लेंगे पर्ल वाइज, देन यान इन बैक। अब इस स्टिच को थ्रो द बैक लूप हम सीधा बुन लेंगे। यही हमारा पैटर्न है सेकेंड रो का। अब यही रिपीट करते जाएंगे, यान इन फ्रंट, स्लिप द लूप, जो हमारी लूप बनाई थी उसे स्लिप कर लिया, यान इन बैक, निट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप, रिपीट अगेन, यान इन फ्रंट, स्लिप द लूप, यान इन बैक, निट वन स्टिच थ्रो द बैक लूप, यान इन फ्रंट, स्लिप द लूप एंड यान इन बैक। एक स्टिच को सीधा बुन लिया, थ्रो द बैक लूप। ऐसे ही हम पूरी रो बना के ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे।
ये ऐसे करके हमने अपनी सेकेंड रो कंप्लीट कर ली। थर्ड रो फर्स्ट स्टिच को हम पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे, देन यार्न इन बैक। अब इन टू स्टिचेस को थ्रो द बैक लूप, ऐसे करके हम दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रो द बैक लूप। अब पूरी रो में हम अपने यही करते जाएंगे, एक हमारा स्टिच था निट स्टिच था और एक लूप थी जिसे हमने स्लिप किया था, इन दोनों को थ्रो द बैक लूप इनका दो का एक बनाते जाएंगे। निट टू स्टिचेस टुगेदर थ्रो द बैक लूप इन द होल रो, लास्ट में वन स्टिच बच जाएगा तो उसे हम सीधा ही बुन लेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ रो, स्लिप द एज स्टिच, एज स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे, देन यार्न इन बैक। अब ये जो सारी रो है ये सारी हम सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेंगे, निट ऑल द स्टिचेस इन द फोर्थ रो। सो फ्रेंड्स ये देखिए आफ्टर द फोर रोज ये बॉर्डर ऐसे करके हमारा प्रेटी सा बॉर्डर ऐसे करके तैयार हो। I hope you will like my video. Thank you for watching my video and enjoying knitting with us.